अंजनी के लाल, केसरी पुत्र, वीरों के वीर, महावीर भक्त, शिरोमणि हनुमान जी को आज कौन नहीं जानता। अपार बुद्धि बल, अपार आत्मबल, ज्ञानियों में श्रेष्ठ, तपस्वियों में श्रेष्ठ तपस्वी, इंद्रियों को वश में करने वाले जितेंद्रिय, अतुलित बल के स्वामी, अपार भक्ति और प्रेम जिनमें कूट कूट के भरे हो, ऐसे हनुमान जी को कौन नहीं जानता। आज उन्हें हनुमान जी के ब्रह्मचर्य की यात्रा के बारे में आज आपको बताया जा रहा है। हनुमान जी के पिताजी वानराज केसरी हैं और माता अंजनी हैं। अंजनी मूल रूप से पहले एक अप्सरा थी जिन्हें एक पाप के कारण श्राप मिला था। माता अंजनी ने पूर्व जन्म में एक मुनि को परेशान किया था, जिस कारण उस मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया कि वह अगले जन्म में वानर योनि में जन्म लेंगी। इस तरह उन्होंने वानर रूप में जन्म लिया। अंजनी ने वानर रूप में भी अपने दिव्य गुणों को नहीं खोया था। वह बहुत ही पवित्र और धर्मी थी और उन्होंने गंभीर तपस्या की थी। इस तपस्या के दौरान उन्होंने भगवान शिव जी से एक ऐसे पुत्र की प्रार्थना की थी जो कि अजय हो। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और कहा कि पवनदेव उन्हें एक ऐसा पुत्र प्रदान करेंगे जो जैसा वह चाहती है। पवनदेव ने शिव जी के आशीर्वाद से अंजनी के गर्भ में अपनी दिव्य शक्तियों को संचार किया। इस प्रकार हनुमान जी का जन्म हुआ। और क्योंकि उनका जन्म पवनदेव जी की कृपा से हुआ था, इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। एक समय की बात थी जब हनुमान जी बहुत छोटे थे, उन्हें भूख लगी और उन्होंने सूर्य को संतरे की तरह गोल और लाल समझकर उसे खाने की कोशिश की थी। इंद्र ने उन्हें रोकने के लिए वज्र का प्रयोग किया, जिससे हनुमान जी घायल हो गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके पिताजी वायुदेव ने उनके लिए संसार की सारी प्राणवायु को रोक दिया, जिससे सभी प्राणी त्रस्त हो उठे। तब देवताओं ने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए, जिसमें उनकी अजर अमृता, अपार भक्ति और अपार शक्ति भी शामिल थी। बचपन से ही हनुमान जी के पास बहुत सारी शक्तियाँ थी, जिसके कारण माता अंजनी और केसरी जी को चिंता रहती थी। चिंता के निवारण के लिए माता पिता ने निर्णय लिया कि हनुमान जी को किसी ऋषि के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा जाए। उस समय कई महान ऋषि इस तप भूमि पर विराजमान थे। हनुमान जी की शिक्षा के लिए बचपन में ही हनुमान जी की मुलाकात विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे महान ऋषियों से हुई थी। जब विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे महान ऋषि ने हनुमान जी की शक्तियों को देखा, तो उन्होंने निर्णय लिया कि हनुमान जी को मतंग ऋषि के पास भेजा जाएगा। हनुमान जी को मतंग ऋषि के पास भेजने का निर्णय बहुत ही सोच समझकर और उनकी असाधारण क्षमताओं को देखने हेतु लिया गया था। विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों ही महान ऋषि थे और उनकी अपनी अपनी विशेषताएं थी। उन्होंने हनुमान जी से निहित अद्वितीय प्रतिभा और शक्तियों को पहचाना था। हनुमान जी की भौतिक शक्तियाँ तो असीम थी, पर उन्हें उन शक्तियों का सही उपयोग और नियंत्रण सिखाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत थी। मतंग ऋषि के पास ऐसी गहन तपस्या और योग की गहरी समझ थी जो हनुमान जी की आध्यात्मिक यात्रा में मदद कर सकती थी। मतंग ऋषि वैदिक काल के प्रमुख संत थे। वह अपने गहन तपस्या और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जाने जाते थे। वे अपने शिष्यों को वेदों की शिक्षा देते थे और धर्म के रहस्यों को समझाते थे। जब हनुमान जी मतंग ऋषि के आश्रम पहुंचे, तो ऋषि ने उनका स्वागत किया और उन्हें आश्रम के नियमों का पालन करने और तपस्या में लीन होने की शिक्षा दी। हनुमान जी ने ऋषि की शिक्षाओं को अपने हृदय में स्थान दिया और गंभीरता से वे तपस्या में लग गए। यहीं पर उन्होंने जीवन के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत भी लिया। इस ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने में उनके गुरुओं का बहुत बड़ा हाथ था। मतंग ऋषि के आश्रम में हनुमान जी ने न केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करा, बल्कि ब्रह्मचर्य को अहमियत को भी समझा। मतंग ऋषि ने हनुमान जी की शिक्षा दी कि कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति अपने मन और शरीर को नियंत्रित कर सकता है और इससे उसकी आध्यात्मिक शक्तियाँ भी बढ़ती हैं। उन्होंने हनुमान जी को सिखाया कि किस प्रकार ब्रह्मचर्य उन्हें अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने और भौतिक लालसा से मुक्त रहने में सहायक हो सकता है। मतंग ऋषि के आश्रम में रहते हुए हनुमान जी ने न केवल भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाया, बल्कि अपनी आंतरिक शक्तियों को भी पहचाना। ऋषि की शिक्षाएं और आशीर्वाद उन्हें जीवन भर के लिए मार्गदर्शन हुई। हनुमान जी के लिए केवल ब्रह्मचर्य का पालन केवल शारीरिक पवित्रता तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें उनकी मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी बहुत बड़ा योगदान था। इस व्रत के माध्यम से हनुमान जी ने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया और भगवान राम की सेवा में अपने आप को समर्पित किया। ब्रह्मचर्य ने न केवल उन्हें शारीरिक बल प्रदान करा, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी मजबूत करा। ब्रह्मचर्य का पालन करने से हनुमान जी की आध्यात्मिक शक्तियाँ मजबूत हुई। यह उन्हें अपने मन को वश में करने और ध्यान की गहराइयों में जाने के लिए क्षमता प्रदान करता। ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करने से उनकी शारीरिक शक्ति भी अछूट रही। यह उन्हें लंबी यात्राएं करने और कठिन चुनौतियों का सामने करने की क्षमता देता था। ब्रह्मचर्य के पालन से हनुमान जी की मानसिक शक्ति जैसे कि एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हुई। इससे उन्हें विविध स्थितियों में तत्परता और सही निर्णय लेने में मदद मिलती थी। सोचिए, अगर हनुमान जी को बचपन में ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं मिलती, तो क्या वे अपनी शक्तियों पर काबू पा सकते थे? जो आज इतना बड़ा नाम हनुमान जी ने किया, क्या वे बिना ब्रह्मचर्य पालन के संभव था? ब्रह्मचर्य ने उन्हें अद्वितीय धार और फोकस प्रदान किया, जो शायद अन्य तरीकों से मुश्किल होता। हनुमान जी ब्रह्मचर्य पथ पर चले। कठिनाइयां उनके जीवन में भी आईं, पर वह ब्रह्मचर्य बल से कठिनाइयों को कुचल देते थे। इसलिए आज वह महान योद्धा सबके दिलों में है। महान बनने के लिए जो हमारे आदर्श हैं, उनके गुणों को याद कीजिए और उन्हें अपनाइए।
अगर हनुमान जी आपके आदर्श है तो उनके गुणों को लिखिए और अपने अंदर देखिए कि कौन से गुण आप में हैं और कौन से गुण नहीं है। गुणों को भीतर तक उतार लीजिए। गुणों को धारण करना ही अपने आप पर कृपा करने जैसा है। जितना जल्दी आप ये बात समझ जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में महान उद्धा हनुमान जी अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।